सर आपकी बात बिल्कुल बराबर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, चाबी मत लो ना सर। सर एक बात बताओ, अगर अगर मेरी गलती होती तो मैं रुकता था क्या यहाँ पे? तो ऐसा भी टाइम हो गया ऐसे निकलने का, यहाँ पे दर्शन अपना सिनेमैटिक्स ले रहे हैं, यहाँ पे गॉड स्पीड है, नोवा अपनी R15 चला रहा है और बाकी सब भाई लोग भी अपने एक एक करके निकलेंगे भाई, चलो। ओह माय गॉड, अभी दर्शन भाई को अपन बिठा लेते, चलो भाई चलो, चल चल चलो भाई, जय श्री राम। तो अभी यहाँ पे हमने ब्रेक, ये क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, मज़ा आ गया मस्त, में दो तीन लच्छा पराठा खा लिया विथ क्या बोलते हैं कश्मीरी चिकन, और कुछ अप्रॉक्सीमेटली 235 रुपीज़ पर पर्सन आया है। साथ में हमने चाय भी पी लिया था और बहुत सारी बातें करी, बहुत मज़ा आया। और यहाँ का खाली आप व्यू देखो यार, क्या व्यू है, क्या ही मस्त व्यू है एकदम। और नोवा अपनी बाइक चला रहा है, नोवा को भी मज़ा आ रहा है लग रहा है अपनी बाइक चलाने को। नेकेड पे आज तक कॉर्नरिंग नहीं करा है अपन ने, और यहाँ पे तो क्या कॉर्नरिंग है भी नहीं ज़्यादा, तो भी जो है उसमें सेटिस्फाई हो जाएंगे अपन। बिंडलास तो भाई अभी से ही बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, पब्लिक दिख नहीं रही है भाई दूर दूर तक। बोले तो भाई अपने को तुम नेकेड दो चाहे रेसिंग स्पोर्ट दो, सबसे आगे बोले तो थ्रॉटल जॉकी और नोवा ब्लॉग्स ही रहते क्या, बाकी अपने भाई लोग थोड़ा स्लो चला रहे क्योंकि एक के क्या है KTM में थोड़ा ऑयल सील का इशू है, और बाकी लोग तो आराम से ही चलाते। नोवा भाई आ गए अपने सामने, टोल ना का है थोड़ा संभालना पड़ेगा, नहीं वैसे कुछ चेकिंग का सीन तो है नहीं भाई। क्या गैंग लग रही है फुल वाले, ये गैंग, ओहो छोड़ देते क्या गाइस सबको पीछे? नहीं है भाई, टोटल डाउन कर दिया अपन ने क्या, नहीं तो अपना पावर बोले तो भाई वन साइड गली गली गैंग सीधा बोले रन हाइड। इसके आगे के हैंडल में ना वेट नहीं है बंटा है, उड़ जाते आगे का हैंडल, वही फटती है मालूम। R15 में कैसे आगे का हैंडल स्टेबल ही रहता है, खड्डे में भी। अबे मैंने ब्रेकर कॉर्नर करते रहते ब्रेकर उड़ाया, सोच टायर छोड़ता ही नहीं है। क्या हुआ, कौन कौन नहीं बोल रहा, यूटर्न है ऐप देख रहा है वो प्रद्युम्न, तेरा कॉर्नर में आगे का टायर ही उड़ गया, कॉर्नर करते करते आगे टायर उठा, मैं दबाया नीचे जमीन पकड़वाया वापस, लीन मार रहे थे तभी तभी हवा में आ गया था, इतना इतना ऊपर आ गया था, लीन मार दे मार दे, ऐसे वो बम सा आ रहा है ना, हां इसका हैंडल हल्का है रे आगे, आगे का हल्का है ना, उसमें देखो शॉट नहीं गिरेगा, स्टीयरिंग है ब्रो, वहां का तो मंडा से लीन मारा ना, क्या हो गया डूब मतलब वहां के संसद गई नहीं कंट्रोल हो जाती है, हां गाड़ी चलते सदा संभाल के चले गाड़ी, क्या हो गया, क्या हुआ करके गाड़ी टच हुआ, तो क्या कहाँ पर कट मार रहे थे, कहाँ पे टच हुआ, कट किया किधर, मैं बोलूँ क्या अभी, नहीं गाड़ी टच ही नहीं हुआ, नहीं मुझे सही में नहीं पता, आप बोल रहे हो तभी पता चला, लाइसेंस है मेरे पास, में लाइसेंस है मेरे पास, नहीं सही में देखो ऐसा तुमको मैंने क्या बोला, तेरा लाइसेंस बता, यदि उसे तुम्हें डैश था डैश, तुम दोनों भी जाते नीचे, देखो सॉरी पर मेरे को सही में ऐसा नहीं पता कि टच हुआ कहीं पे, मुझे खाली बस भाई कुछ बोल मत, लाइसेंस बता तेरा, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो सर, पर मेरे को सही में नहीं पता कि ऐसा टच हुआ कहीं पे, क्योंकि बाइक है, नहीं नहीं आपकी बात बिल्कुल बराबर है, सर आपकी बात बिल्कुल बराबर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, चाबी मत लो ना सर, चाबी क्यों ले रहे हो सर, मैं बताऊँ ऐसे मुझे मुंह पे
नहीं पता चाबी मत लो ना। नहीं नहीं सर हम मना नहीं कर रहे सर, हम लोग कोऑपरेट कर रहे। हाँ मेरे को सही में नहीं पता चला, मेरे को पता चल रहा तो मैं रुकता था। कहाँ पे सर एक एक अगर मेरी गलती हो रही है हम लोग यहाँ पे रुकते थे क्या? ये भी था, इसका आगे का हिस्सा निकल गया तो आपके हिसाब से स्टेयरिंग लेफ्ट में लिया तो इसका पीछे वाले का हाथ लगा आपके आने में। कट मार रहा था भाई, कट मार रहा था, कर इधर उधर नचाने का। बात सुन, यदि मैंने उसको देख गैस करता था सर एक बात बताओ, अगर मेरी गलती होती तो मैं रुकता था क्या यहाँ पे? अरे भाई तुम रुका नहीं, तुम भागा तुम ऐसे तुम। सर यहाँ पे थोड़ी रुकते थे हम लोग। छोड़ दे मुझे, लाइसेंस बता बस भाई, कुछ लाइसेंस है मेरे पास में? अरे उसका कुछ नहीं है यार इशू, आप और वो पीछे वाले का लगा, अगर इसका हाथ लगता था ना तो समझ में भी आता। नहीं नहीं सर मैं बना कर, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ सॉरी अगर ऐसा कुछ हुआ तो, पर मुझे कसम से नहीं पता था, अगर पता रहता तो हम लोग रुकते नहीं ना सर। देखो सर आप बड़े हो, मैं आपसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है आपकी बात, पर मैं आपको नहीं नहीं आपकी बात बिल्कुल सही, इसके लिए हम लोग सर सेफ्टी पहन के करते हैं, हम लोग बिना हेलमेट के नहीं चलाते, पर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को पता होता ना कि ऐसा हुआ है तो मैं यहाँ पे रुकता ही नहीं था ना सर। नहीं आपकी बिल्कुल बात सही है, आपने मुझे बताया सर, अच्छी बात है कि आगे से मैं उचित का ध्यान रखूंगा। मिरर घुमा था पूरा, अगर थोड़ा सा भी कट लगता तो किधर घूम जाता था। नहीं नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, वो तो सर टूट गया, देखो ब्रैकेट टूट गया उसका, सही में टूट गया सर, खड्डे के वजह से ही टूटा है वो भी। मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, बोलने का था, बाकी कुछ नहीं बोलने का, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। मैप देख, मैप देख, मैप। हाँ अलीबाग के भाई, अलीबाग के लिए किधर से इधर से उतरेगा नहीं गाड़ी फालतू में बक। हाँ गाली दिया मैंने हा? मैं तो उल्टा उसको सर करके इज्जत से बात कर रहा था। उसने गाली नहीं दिया ना तेरे को? नहीं नहीं तो उसने इतना बोला कि मैं चू क्या हा? तो मैंने बोला कि आप ऐसी बात क्या कर रहे हो, मेरे को मालूम रहेगा ना मैं कट। अबे पहली बात तो बंटा को अगर ठोकेगा तो रुकेगा क्या? हाँ अच्छा ये वो वाली बात कर रहा है क्या, मैं एकदम ऐसा बाहर खींच लिया था। अरे आना तेरे को क्या जगह पे मारने का अपनी बच्ची, लेकिन ये लोग अच्छे थे, ये लोग अच्छे थे, वो मेरे को बोला बोलता है सीधा बोलने का उसको कि मेरी गलती है तो मैं रुकता था क्या, बोलता काई के लिए सुन के लिया। जो तेरे से बात करता वो शांत था, वो कहानी चर्बी थी। देखो गाइस मेरे को मालूम है ये क्या बात कर रहा था, पर अभी कैसा है कि ना लोकल है तो अपने को वैसे ही डील करना पड़ता है अपने को भाई सॉरी वॉरी बोल के निकल जाने का, बिकॉज बेकार में इशू क्रिएट करके मतलब नहीं है। यहाँ पे कैसा हो जाएगा फिर मैं पहले वैसा, वो गांव वाले लोग आपस में एक जैसे एक साथ हो जाते हैं, पर ये जो भाई थे ना जो चश्मे में मेरे से बाद में आके बात कर रहे वो भाई अच्छे थे, जो उन्होंने अपने को ज़्यादा कुछ अपने को उल्टा उन्होंने अपना ही सपोर्ट किया कि अगर अपनी गलती होती तो अपन रुकते नहीं थे। और भाई वो सच है, मेरे को सही में नहीं पता था कि ऐसा कुछ टच हुआ कि नहीं, वो मेरे को लग रहा है कि भाई वो तो अपने मन से ही बात बना के बोल रहा था, कुछ टच वच हुआ नहीं था, वो खाली इसके लिए बोल रहा था कि अभी वो रुक गया तो क्या है उसको थोड़ा वैलिडेशन मिल जाए ना, बेकार में इज्जत के भांग ना हो इसके लिए। कोई बात नहीं भाई, मैं तो आपको थैंक यू बोलूँगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो, थैंक यू सो मच मेरे को थंबनेल टाइटल देने के लिए, बाकी 24 आवर फुल पावर समझे क्या। और लेकिन उसने जो चाबी निकाली ना वहाँ पे मैं ट्रिगर हो गया, पर मैंने बोला कि भाई छोड़ अभी लोकल है इसके लिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा मैं, अगर ये भाई यही चीज़ अपने यहाँ पे कर दे फिर मज़ा आवे भाई। हाँ नोवा मैं बोल रहा हूँ, इसने तो चाबी निकाला, अगर यही अपने यहाँ पे कोई निकाल दे तो, जो इसने चाबी निकाला था अगर यही अपने यहाँ पे निकाल देता कोई तो, चाबी निकाल के वो अंदर गया, उसको बोला भाई देख चाबी अभी लेने है तेरा कुछ बनता नहीं है, इसके लिए मैंने कुछ नहीं बोला, दूसरा वाला अच्छा था इसके लिए मैंने कुछ बोला नहीं, ये लेफ्ट लेने का स्टे करना कहीं पे, स्टे मतलब कि वही अपन थोड़ा दिन में घूमेंगे फिरेंगे टाइम पास करेंगे दोपहर में। हाँ
और फिर बाद में साथ दोस्त को बोलता हूँ, थोड़ी देर बाद आते हम लोग। हाँ फ्रेंड है जीजा, उसके घर पे डायरेक्ट रुकते हैं। लड़की है? हाँ लड़की क्या घर पे? लड़का है रे। लड़का है तो ठीक है फिर, क्या बोलूँ उसको, फिर बाद में आते हम लोग। उसका घर है क्या वहाँ पे? हाँ क्या करेगा वंडस के घर पे रुक के? घूमेंगे ना, पब्लिक सो जाएगी वंडस के घर पे रुक गई तो। हाँ उसके घर पे रुक गए तो सो जाएंगे भाई। हाँ तो बटा रिंदू रिंदू। अरे भाई भाई बेकार में गलत सीन हुआ ये। कोई बात नहीं भाई, ठीक है ना भाई। आम्ही महान तुम्ही लहान, आम्ही झोपड्यात रहता तुम्ही भोकता, बात खत्म। अरे वो कौन सी बात कर रहा है मालूम है? मालूम है एक गाड़ी ऐसा लेफ्ट डाल रहा था तो मैंने तुरंत अंदर कर लिया था। अच्छा, ये वो था। और मेरे को ये चीज अभी रियलाइज हुआ जब नोवा ने बोला मेरे को अभी। अच्छा, उसको तो स्ट्रैप लगा था ये वाला। हाँ मेरे को अभी मैंने इतना ध्यान दिया रहता तो मैं रुकता था क्या? हाँ। पर वही बात है ना भाई, अपने मेरे को सही में नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ हुआ है करके। मेरे को लगा मेरा गैप मिला, मैंने निकाल लिया अपना। हाँ। अपने लिए तो भाई नॉर्मल है, नॉर्मल गैप पकड़ के निकाला। और नसीब मेरा कैमरा चालू था उधर, चालू था कैमरा। हाँ अभी भी चालू है पूरा। अरे तो यहाँ पे अंदर कैब में बच्चे दिख रहे एकदम खुश खुश। साउंड नहीं है इसमें, इसमें खाली पावर है बोले तो भाई। लेकिन आज पहली बार ना मुझे ऐसे राइड पे मजा आ रहा है। मतलब मैं यूजुअली ऐसे कोई कोई अननोन लोग रहते हैं ना, मतलब जिनको फर्स्ट टाइम मिल रहा हो तो उनके हाथ में मैं इतना जल्दी वाइब होता नहीं है। अच्छा। पर आज ऐसा कनेक्ट हो रहा है अपनी अपनी वाली वाइब। हाँ मतलब देख नोवा तू और गॉड स्पीड इनको तो जानते हो, बाकी जो चार नए हैं ना तो मतलब मैं जल्दी कनेक्ट नहीं करता था किसी से, पर ऐसा इधर में कनेक्ट हो रहा है वैसा। अपना अपना वाइब। हाँ अपनी अपनी वाली वाइब, अपने फुल भाई लोग सेम अपने वाले वाइब के। तो मेरे को लग रहा है कि हम लोग अभी अलीबाग पहुंच गए, क्योंकि जो हिसाब से रास्ते वगैरह ना एकदम कोस्टल टाइप के। देखो यहाँ पे कोकोनट ट्री वगैरह है, तो ये नॉर्मली कोकोनट ट्री तो होते नहीं है, ये होते हैं कहाँ पे, जहाँ पे अपने बीच बीच होते हैं। तो मेरे को लग रहा है आसपास में कहीं पे मंडवा बीच ऐसा कुछ होगा, तो देखते हैं अभी क्या शॉट है क्या नहीं। यही वाला राइट है ना, यही वाला रास्ता है ना। अरे वो ड्यूक वाले को पूछना, प्रद्युम नाम है ना उसका ड्यूक वाले का। अरे वो ड्यूक वाले को एक बार पूछ। चल 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 चल। हाँ बंदा खड्डा है उधर, मैं ट्राई करूँ क्या एक बार पकड़, देखता हूँ मैं ट्राई करूँगा भाई। लग तो नहीं रहे लेना उसमें, मेरा दिन में क्वालिटी ख़राब हो जाता है, पूरा क्वालिटी ख़राब होता है मेरा दिन में। हाँ बहुत ब्लर आता है, देख साइड ले ले बस गाड़ी हल्की, नीड ड्रैक देख रहा हो अगर होएगा तो। हाँ खड्डा रहे चला तो वही चला, आगे ट्राई करते कि मिलेगा तो। काय का स्क्रैच आया? इसका
मतलब किस पे पेंट पे आया कि रैप पे आया क्या? तो इस अभी का सीन ऐसा कुछ है कि हम लोग जा रहे हैं मांडवा बीच, और मांडवा बीच से मतलब मांडवा से ही हमारी फेरी है 7:20 की, और अभी कुछ टाइम हो रहा है अप्रोक्स 11 बजने वाले हैं, 10:45 हो रहे हैं, 10:46। तो 11 बजे की हमारी, सॉरी 7:30 की हमारी फेरी है, तो हम लोग को 7 घंटे जो है वहीं पे टाइम पास करना है। अब यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर दूर है मांडवा बीच, तो जाते हैं फटाफट और या देखते हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं, थोड़ा वहाँ पे लोकल में घूमेंगे, थोड़ा कहीं पे रेस्ट करेंगे, देखते हैं क्या करने का है। और यहाँ पे फाटक लग गया है, ये क्या यहाँ पे मंदिर है। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे अभी गॉड स्पीड वगैरह के लिए, क्योंकि ये लोग पेट्रोल भराने रुक गए थे, और मैंने बोला कि हम लोग अकेले आ जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और अभी अपन जा रहे हैं बीच की तरफ, और ज़्यादा नहीं, यहाँ से कुछ 7-8 किलोमीटर ही बचा है। और इसमें अपने एक भाई का ना, जो आरसी वाले भाई थे ना, उनका शूज़ जो है ना, उसका सोल निकल गया, तो इसकी वजह से अभी वो पिलियन बन गए। और मैं अभी ये चला रहा हूँ बिकॉज़ मेरा थोड़ा पीठ दुखने लग गया खड़े खड़े, क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ ना यार 2 दिन से, तो इसकी वजह से मेरे को पीठ दुख रहा था। तो मैंने नोवा को बोला भाई थोड़ा R15 चलाओ, हमको थोड़ा ये चलाने दो। नोवा बोला ठीक है भाई, मेरे को भी R15 में मज़ा आ रहा है। तो हमने भाई को दे दिया R15 और अपन ये चला रहे नोवा ड्यूक। और अभी से ना नींद आनी चालू हो गई है, वैसे शॉर्ट नहीं है कुछ, अपन पहुँच तो गए अलीबाग, और ज़्यादा दूर नहीं है भाई, बहुत पास है अपने यहाँ से तो अलीबाग यार, मतलब अपन टाइम पास करते करते तो इतना जल्दी पहुँच गए। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अपने को सीधा बीच पे जाने का और वहीं पे चिल करना है, और फिर मैं सीधा फेरी पकड़ने का और मुंबई आ जाने का है। तो अभी जाते आगे दिखाता हूँ आपको, मेरे गोप्रो में भी कुछ 18% ही बैटरी है, मैं थोड़ा गोप्रो भी चार्ज करना पड़ेगा। पावर बैंक तो मैं चार्ज करके लेके आया था घर से, तो कुछ सीन नहीं है वैसे। तो बस फाइनली पहुँच चुके अपन अलीबाग के बीच साइड पे, और होए क्या ही लुक आ रहा है, बादाम बादाम ही बादाम होंगे। चल चल साइड ले साइड ले साइड ले साइड ले, तो अभी यहाँ पे पहुँच गए, और यहाँ पे ईवी चार्ज करने का जोन है, और वहाँ पे आगे मस्त में जगह है, वहाँ पे जाके देखते चलो क्या है। ओहो यहाँ पे पेन पार्क है ना भाई, मांडवा पोर्ट, 10 रुपये पर आर बनता है यहाँ से, बोट मिलती है। हाँ 10 रुपये पर आर है उधर सामने, अरे उधर 10 रुपये पर आर है। अरे क्या है, क्या क्या गिर गया? नहीं उठेगा नहीं यहाँ पे, भाई मजा आ रही लिए भाई। गाइस वी विल बी राइट बैक, बंटा है बाइक गिर जाएगी ना, बाइक गिरेगी बाइक गिरेगी, गिर रही है मेरा भाई, भाई वो लगा ना उधर, वो देख वो देख वो देख उधर, अरे गोल गोल पड़ा है ना वो, देख क्या, हाँ वो रख दे नीचे, क्या है रखना उसमें, अरे उल्टा 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 करना, हाँ। तो गाइस अभी हम लोग हैं बीच साइड में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो अपनी सब पब्लिक उधर बस में बैठे, यहाँ पे अपनी बाइक पार्क करी है, यहाँ पे नोवा की बाइक है, वहाँ पे आगे ड्यूक आरसी R15, और यहाँ पे नोवा गॉड स्पीड वगैरह सब तो भाई ज़मीन पे लेट गए, और दर्शन वीडियो बना रहा है, और हाथ कहाँ है उसका बाइक का क्या मालूम, छोड़ो भाई कोई बात नहीं, ये भाई ठीक है इधर। तो अभी सीन ऐसा है कि
तो अभी सीन यहाँ पे ऐसे कि थोड़ी देर हम लोग आराम करेंगे, अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 5 बज रहे हैं और 7:20 का हमारा 7:20 का जो हमारी फेरी है, तो 7:20 की फेरी है, तो हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा कुछ अप्रॉक्स 7 बजे निकलेंगे। देखो सामने यहाँ पे डॉकयार्ड है, तो हमको खाली यहाँ से बाइक लेना है, वहाँ से ऊपर जाना है और वहाँ पे चल के वहाँ पे जाना है सामने, तो वहाँ पे अपनी फेरी आएगी और बाद में अपन फेरी में बैठ के सीधा मुंबई। तो यहाँ पे दर्शन भाई झाड़ू भी मार रहे हैं हमारे, यहाँ पे नोवा भाई बैठे भाड़े बीर गधे की। तो वैसे भी हम लोग इधर बैठे बीच बैठे क्या मतलब लेटे हैं, इधर नोवा है भाई, पीछे दर्शन भाई अपने, यहाँ पे रेडबुल भाई है और यहाँ पे अपने एक कपल्स है, हैप्पी कपल्स। तूने किया ये क्यों किया, What a song baby song by Normax Sound DJ Max, Yo yo बोला बच्चन जी आ आ। मेरे महबूब कयामत